दिन 26 जनवरी, स्थान नजफगढ़। नजफगढ़ से होता हुआ किसानों का हुजूम ट्रैक्टर रैली में शामिल होने जा रहा था। ट्रैक्टर रैली में मोदी के विरोध में नारे लग रहे थे। नजफगढ़ के भगत सिंह चौक पर कुछ व्यक्ति हाथ में ढपली और भगत सिंह के पोस्टर लेकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और नारे लगाते लगाते वो ऐसा क्या बोलते हैं कि एक शख्स उस भीड़ में अकेला जाता है, देश विरोधी नारे लगाने के लिए रोकता है और अकेला सबके सामने हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर देता है। और देश विरोधी नारे लगाने वालों को साफ सुन जाता है और वो शख्स भारत माता की जय के नारे लगाने नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है जैसे देश विरोधी भेड़ियों के सामने एक देशभक्त शेर दहाड़ रहा हो। उसके मुख से बस एक ही बात निकल रही थी, भारत माता की जय। और ये शख्स अकेला ही उन सब देश विरोधी नारे लगाने वालों को वापिस जाने पर मजबूर कर देता है। ये शेर कौन है, क्यों लगा रहा था ये भारत माता की जय के नारे, हम आपको शख्स से मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या मोदी जी का विरोध करने के लिए देश विरोधी नारे लगाना उचित है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करने के लिए देश विरोधी होना जरूरी है? जिस भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दी, उसी भगत सिंह का फोटो हाथ में लेकर भारत विरोधी नारे लगाना उचित है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि जुमा था वीरों ने फांसी का फंदा यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में।